हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर लाइफ। तो आज मैं बनाऊंगी यहाँ पर पनीर की कुछ अलग से ही रेसिपी, ठीक है। तो मैंने इसमें यहाँ पर पनीर की कुछ पीसेस काट के रखे हैं, और यहाँ पर आप प्याज ले लीजिए। प्याज को आप इस तरह से काट लीजिए लंबा लंबा, और यहाँ पर शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी आप इस तरह से काट लीजिए। और यहाँ पर टमाटर जो बीज वगैरह आप हटा के इनको इस तरह से गोल गोल काट लीजिए इस तरह से। ये देखिए, इसको ऐसे लंबा लंबा और ऐसे पीसेस पीसेस। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में जो है थोड़ा सा तेल डाल के रखा हुआ है, तो इसको आप इसमें आप सबसे पहले डाल दीजिए प्याज, प्याज को आप हल्का ब्राउन होने दीजिए। प्याज को आप थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने दीजिए पहले। देखिए फ्रेंड्स, प्याज जो है मेरे यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जो शिमला मिर्च काट के रखी थी, अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। पहले आप शिमला मिर्च डालिए, फिर बाद में टमाटर डालेंगे। तो शिमला मिर्च को थोड़ा सा पहले हल्का सा इसको भी सॉफ्ट होने दीजिए। गैस का फ्लेम आप धीरे कर दीजिए। और इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्की हल्की अभी सॉफ्ट हो गई है। मतलब इसे अभी पूरा सॉफ्ट नहीं करना, आपको हल्के हल्के सॉफ्ट में ही इसमें मसाले डाल दीजिए। मसाले में देखिए, आपको सिर्फ घर के मसाले लेने हैं। गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा और ये काली मिर्च। तो आपको इसमें हल्का हल्का, जैसे जब हल्का हुआ हो तभी आपको ये सारे मसाले डाल देने हैं। ज़्यादा शिमला मिर्च को पकाना नहीं है, पहले आप हल्के से उसको कच्चे में ही आप उसका मसाला वगैरह डाल दीजिए। मसाला देखिए सारा इसमें सब्जी में जो है लग चुका है। वैसे तो बच्चे शिमला मिर्च खाते नहीं हैं, तो अगर आप इस तरह से पनीर के साथ शिमला मिर्च बनाएंगे नई रेसिपी कर साइन करा के, तो शायद बच्चे मतलब जो है बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। अब ये मसाले जो है मतलब 5 मिनट के लिए आप इसे हल्का सा पकने दीजिए। तब ऊपर से रगिया डाल दूंगी टमाटर। अब इन सबको आप जैसे मिक्स करके रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, ढक के रख दीजिए, ताकि जितने भी मसाले हैं और जितना भी ये सब्जी है जो थोड़ी सी पक जाए। आप इसको इस तरह से 5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मतलब ये शिमला मिर्च भी गल चुकी है, और ये टमाटर भी जो है इसे ये गल चुके हैं, लेकिन थोड़े थोड़े हल्के हल्के टमाटर इसमें दिखेंगे इस तरह से। अब आप इसमें जो पनीर के स्लाइसेस मैंने काट रखे थे, अब आप इसमें पनीर ये डाल दीजिए। देखिए कितनी अच्छी ये मतलब बन गई है। आपको मार्केट से इतनी महंगी पनीर की सब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप घर में ही मतलब जो है कितनी मतलब सस्ते तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो एक बार मेरे मतलब तरीके से इस तरह से इसको बना कर देखिए, और ताकि बच्चे भी ऐसे इसको खाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। देखिए कितनी ज़्यादा यम्मी बन चुकी है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसे लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।